Handsome Rinku. You're too good, baby. Okay, Eva, you're next now. Be ready. Ready? एक मिनट, किसका फोन था? अरुण का फोन था। अरुण का फोन था? मुझे बताओ किसका फोन था? रिंकू, अब बस एक ही रास्ता बचा है, उस लड़की के घर में घुसकर। समझ गया ना? बस मेरा ये काम कर दे, कीमत जो तू चाहे। तो क्यों वादा किया था तुमने मुझसे? फिर तुम्हें समझ नहीं आ रही? रिंकू मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो ईवा, विनय ने शादी करने से मना कर दिया है, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। एक मिनट रिंकू, तुम पहले रोना बंद कर, मुझे बता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। यार मम्मा पापा ने वार्न किया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उसे छोड़ूंगी, उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। रिंकू, रिंकू, ओपन द डोर। यार इसने कहीं कुछ कर तो नहीं लिया ना अपने आप को? मुझे बहुत डर लग रहा है। रिंकू, आई होप ऐसा कुछ ना हुआ हो। गर्लफ्रेंड बजे जा रही है और फोन भी नहीं उठा रही है। रिंकू, ओपन द डोर यार। चल बैठ। रिंकू, 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 ओपन द डोर यार। क्या हुआ? हम रिंकू के फ्रेंड्स हैं। वो दरवाजा नहीं खोल रही है। पता नहीं वो अंदर। रुको, मैं वॉचमैन को बुलाती हूँ। वो मेरी बालकनी से रिंकू के फ्लैट में जा सकता है। Watchman! चला तो जाऊंगा सर, पर बहुत ऊंचाई है, जोखिम बहुत है। कैसे रे? और जल्दी जाके दरवाजा खोल। चल रे। मिनट हो चुके हैं। वो अंदर कर क्या रहा है? बाबुल, इतनी देर तक अंदर क्या कर रहा था? रिंकू, रिंकू, रिंकू सोलंकी की आत्महत्या और उनके फैशन फोटोग्राफर बॉयफ्रेंड बीरेन नागपाल की अरेस्ट को आज 2 दिन हो चुके हैं। बीरेन पर इल्जाम है आत्महत्या के उकसाव के लिए, अबेटमेंट टू सुसाइड। हमने ये भी सुना है कि बीरेन के दोनों लॉयर्स ने ये केस छोड़ दिया है। आई
आइए आइए जेडी साहब, बैठिए। मुझे लगा नहीं था कि आप आएंगे। क्यों? वो क्या है कि पिछले दो दिनों में ना आप तीसरे वकील हैं जिसे इस लड़के ने कांटेक्ट किया है। जो दो थे वो तो केस छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन हो चुका है कि रिंकू की आत्महत्या का जिम्मेदार ये बिरेन ही है। लेकिन आप आ गए सब कुछ जानने के बावजूद इसके बुलावे पे। जी 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 राठौर साहब, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी फल छीलने के बाद ही पता चलता है कि वो अंदर से सड़ा हुआ है या नहीं। वैसे भी हम सब प्रजातंत्र के वासी हैं, जहां हर आरोपी को यह अधिकार है कि उसकी बात सुनी जाए। तो मैं बीरेन की बात सुनने आया हूँ, उसका केस लेना है या नहीं लेना है ये बाद में तय करूँ। चले चलिए। मिस्टर पाठक, थैंक गॉड आप आ गए सर, एंड आई रियली होप कि दूसरे वकीलों की तरह आप अपने डिच नहीं करेंगे। बिरेन, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ कुछ नहीं है सर, अब होगा। आज शाम को मेरी और रिंकू की शादी होने वाली है। इनफैक्ट इसीलिए तो मुझे वकील चाहिए था सर। और देखिए ना, पता नहीं क्यों इन लोगों ने मुझे यहाँ पर लाके बंद कर दिया है। शाम को 4 बजे फैमिली कोर्ट भी बंद हो जाता है। इनको कहिए मुझे निकाले यहाँ से, आप प्लीज निकालिए मुझे यहाँ से। ओके ओके, आई नो आप क्या सोच रहे हैं। आपको यही लग रहा है ना कि रिंकू तो खफा है मुझसे, मैंने इतना उसे चीट जो किया है। लेकिन सर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सोनाली के साथ अब मेरा कुछ नहीं है सर। और सर इनफैक्ट मैंने रिंकू को मैसेज भी किया था कि आई एम सॉरी सर। रिंकू बहुत अच्छी लड़की है सर, आई रियली लव हर। सुबह से ये नौटंकी चालू की इसने। रिंकू जिंदा है, रिंकू जिंदा है। ए! कुछ नहीं हुआ है मेरी रिंकू को, कुछ नहीं हुआ है मेरी रिंकू को, और उससे मैं कुछ होने नहीं दूंगा, समझा तू? काम डाउन करें, काम डाउन। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही कि आप ये केस ले लोगे। तो घबराहट किस बात की हो रही तुम? मेरे केस लेने की या केस हार जाने की? दोनों की है सर। थिंक अबाउट इट, चीटिंग बॉयफ्रेंड, कॉन मैन, कई लड़कियों को धोखा दे चुका है। आई एम श्योर इसने पैसों के लिए फंसाया रिंकू को, शक्ल से ही फ्रॉड दिखता है सर। अदीरा, हर चेहरे के पीछे अनगिनत कहानियां छुपी हैं, और वैसे भी अगर हमारे जजेस अदालत में चेहरा देखकर निर्णय करने लगे तो फिर तो हमारे देश में पेंडिंग केसेस बचेंगे ही नहीं। बस चेहरा देखा दोषी, चेहरा देखा फिर दोष। I'm sorry sir. It's okay. But sir, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि this is a one second case. I mean suicide note पुलिस को मिला, जिसमें रिंकू ने ये साफ साफ लिखा है कि उसके मौत का जिम्मेदार बिरेन है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस केस में ऐसा क्या दिख रहा है जो हम में से किसी को नहीं दिख रहा। सच्चाई कहीं ना कहीं मुझे बिरेन में सच्चाई की झलक नजर आई, और मुझे पूरा विश्वास है कि उस सच्चाई की डोर को खींचूंगा तो इस केस की सच्चाई भी बाहर आ जाएगी। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है मिस्टर पाठक, कि आप जैसा सच्चा और सुलझा हुआ वकील बिरेन जैसे इंसान का केस क्यों लड़ रहा है, और वो भी ये सुसाइड नोट पढ़ने के बाद, जिसमें रिंकू ने बहुत साफ साफ लिखा है कि मैं अपनी जान अपने बॉयफ्रेंड बिरेन से तंग होकर ले रही हूँ। I'm sure कि अब आप ये कहेंगे, ये तो रिंकू की हैंडराइटिंग है ही। तो चलिए योर ऑनर, इसको वेरीफाई करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट मिस्टर मानक तला को। इजाजत है योर ऑनर, मैं और मेरी टीम ने उस सुसाइड नोट का बड़ी गहराई से मुआयना किया था, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मिस रिंकू की ही राइटिंग है। थैंक यू मिस्टर मानकतला। और अब रिंकू और आपके मुवक्किल बिरेन के रिश्ते पे एक नजर डालते हैं कुछ गवाहों के जरिए। 3 साल पहले मैंने बिरेन और रिंकू को इंट्रोड्यूस करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी। बिरेन और रिंकू के झगड़े रोज के थे, कभी बिरेन की जायदों की वजह से, तो कभी उसके एक्स गर्लफ्रेंड सोनाली की वजह से। सर रिंकू मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, और मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता। सर वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी, कभी सुसाइड करने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन इस इंसान ने उसका कत्ल कर दिया उसके पैसों के लिए। सर वो फ्लैट जो पहले रिंकू का था अब इसका हो गया। बिरेन तुम्हें ना हम सब की हाय लगेगी, और देखना रिंकू की आत्मा ना तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। ये आदमी तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, बहुत गुस्से वाला आदमी है सर ये,
एक बार तो इसने मुझे मारा भी था। और सर रिंकू मैडम के ये तो बिल्डिंग में सभी से लड़ाई झगड़ा करता था। उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं टीवी देख रही थी। तो क्या पड़ोसी होने के नाते आपने उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की? वेल मैम, ऐसे झगड़े तो उन दोनों में हफ्ते में 2 या 3 बार होते ही रहते थे। जो समझाने जाता वो ही बुरा बनता क्योंकि अगले दिन दोनों एक हो जाते थे। एंड ऑफ कोर्स मैं चेहरी एक शरीफ औरत, मैंने सोचा इन लोग के मामले में टांग क्यों अड़ाऊं, लेकिन अच्छा होता कि मैं टांग अड़ा ही देती, बेचारी बच्ची तो बच जाती। सुना आपने मिस्टर पाठक, एक्चुअली इस वक्त मेरा मकसद ये नहीं है कि ये पता करूं इस केस का नतीजा क्या है, बिकॉज आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। मैं इस वक्त कुछ और ही समझना चाह रही हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कटघरे में खड़े इस इंसान में आपने ऐसा कौन सा गुण देखा जो हम में से किसी को नजर नहीं आया। कौन सा गुण? नहीं प्रोसिक्यूटर साहबा, ऐसा कोई विशेष गुण तो मैंने नहीं देखा। मेरे ऑनर, 100 बात की एक बात तो ये है कि मैं यहाँ अदालत में उपस्थित हुआ हूँ ना कि बिरेन के चरित्र का प्रमाण पत्र देने, बल्कि ये प्रमाणित करने कि रिंकू की मृत्यु में इनका कोई हाथ नहीं था। अभी अभी जो कथन हमने सुने उनके अनुसार हाँ, बिरेन घमंडी है, धोखेबाज है, जालसाज है, फरेबी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, किंतु इससे ये कहाँ प्रमाणित होता है और ऑनर की बिरेन हत्यारा भी है। With all due respect to the defense, मिस्टर पाठक, मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये केस जो है अबेटमेंट टू सुसाइड है, मतलब आत्महत्या के लिए उकसाने। आत्महत्या के लिए उकसाने, मैं अंग्रेजी समझता हूं। अबेटमेंट टू मर्डर और मर्डर मिस्टर पाठक। लेकिन आत्महत्या के लिए तो तभी उकसाया जा सकता है जब आत्महत्या किया हो किसी ने। योर ऑनर, ये आत्महत्या का केस नहीं है, हत्या का केस है। It's a case of murder. Murder? जी हाँ Your Honor. सर्वप्रथम इस अदालत में मैं ये प्रमाणित करूंगा कि रिंकू ने आत्महत्या नहीं की थी। तत्पश्चात मैं ये प्रमाणित करूंगा कि रिंकू की हत्या की। Silence in the court, please. Your Honor, ये बिरेन के मोबाइल फोन का स्क्रीनशॉट जिसमें साफ साफ लिखा है, मुझे माफ कर दो रिंकू, आई लव यू एंड ओनली यू, और ये साबित करने के लिए मैं कल शाम तुम्हारे साथ शादी कर। ऑब्वियसली उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें पछतावा महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसे पछतावे का क्या फायदा जिसके आते आते देर हो चुकी हो। देर हो चुकी हो, लेकिन देर तो नहीं हुई थी। देखिए 4:20 पर इन्होंने संदेश भेजा, उसी समय रिंकू ने ये मैसेज रिसीव भी किया और पढ़ा भी। योर ऑनर, ये रिंकू के मोबाइल फोन का स्क्रीनशॉट। और फिर भी उसने अपनी जान इसलिए ले ली क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, जानलेवा क्रोध में। जानलेवा क्रोध में थी रिंकू जी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जानलेवा क्रोध में उन्होंने इनका संदेश पढ़ा, ये समझ लिया कि ये फिर से उसे धोखा दे रहा है, और उसी क्रोध में उन्होंने अपनी जान ले ली, और उसी क्रोध में जान लेने से पहले उन्होंने ये आत्महत्या पत्र लिखा। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो फिर जवाब ये है, जी हाँ, क्रोध में, जानलेवा क्रोध में। योर ऑनर, योर ऑनर, अगर इतने भयानक क्रोध में कोई आत्महत्या पत्र लिखता है फिर वो अपने नाम के नीचे स्माइली क्यों लिखता है? आप ही बताइए, आत्महत्या पत्र के नीचे स्माइली का क्या अर्थ होता है? मैं बता देता हूँ योर ऑनर, इसका तो एक ही अर्थ निकलता है कि रिंकू आत्महत्या नहीं करना चाहती थी। वो केवल ये आत्महत्या पत्र लिखकर बिरेन को परख रही थी, खेल खेल रही थी इनके साथ। और खेल खेल में उसने अपनी जान ले ली। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है मिस्टर पाठक कि ये भ्रम आपको कब, क्यों, कैसे और कहां हुआ? प्रोसिक्यूटर साहब, मुझे ये भ्रम तब हुआ जब मैं रिंकू के घर का अर्थात घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचा। ये पुस्तक, ये एक हास्य पुस्तक है जिसमें एक बुक मार्क लगाया गया है जिस पर रिंकू की उंगलियों के निशान है, और इस पुस्तक के पीछे चाय के कप का दाग। रसोई घर में चूल्हे पर बनाई गई चाय
इससे ये प्रमाणित होता है कि रिंकू ने इस किताब में बुकमार्क लगाई इस आधार से कि बाकी की किताब बाद में पढ़ूंगी। केवल इतना ही नहीं, और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल पर हत्या के समय वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए गए थे। वो कपड़े जब प्राप्त हुए पुलिस को तो हल्के गीले भी थे। मिस्टर पाठक, मुद्दा क्या है? सर, मेरा मुद्दा ये है कि एक लड़की जो अपने प्रेमी से नाराज थी और उसके लिए अपनी जान देने चली थी, वो पहले वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोकर फिर अपने लिए चाय बनाकर बड़े आराम से हास्य किताब पढ़ के उसके बाद आत्महत्या पत्र के नीचे स्माइली बनाकर बड़े प्यार से अपने आप को फांसी के फंदे से लटका दी। इज इट नेचुरल योर ऑनर, या इसमें कुछ विचित्र है? इंपल्सिव स्पर ऑफ द मोमेंट बिहेवियर योर ऑनर, जिसके चलते अक्सर ये देखा गया है कि लोग कई रेडिकल स्टेप्स उठा लेते हैं। हो सकता है कि रिंकू ने ये सारी नॉर्मल चीजें करने की कोशिश की हो अपने आप को बहलाने के लिए, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं हुआ और फाइनली टूट के बिखर के उसने ये स्टेप लिया। Yes, Miss Verma, it is quite possible. लेकिन मिस्टर पाठक ने इस सुइसाइड पे कुछ अहम सवाल उठाए हैं जिनका जवाब मिलना भी बहुत जरूरी है। कौन से जवाब मिलना जरूरी है योर ऑनर? क्या अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये मर्डर है, और अगर मर्डर है तो कैसे है? हम ऑलरेडी जानते हैं कि वॉचमैन पास वाली बालकनी से कूदकर रिंकू की बालकनी में गया था और वहाँ उसने वो दरवाजा खोला था जो अंदर से लॉक्ड था, और उस घर में उसे और कोई नहीं मिला। How is it a murder? मैंने जो सवाल उठाया है प्रोसिक्यूटर साहब, उसका जवाब है मेरे पास, लेकिन इसके लिए मुझे अदालत में एक प्रयोग दिखाना होगा यहाँ, अगर आपकी अनुमति हो। अनुमति है। योर ऑनर, अब मैं अदालत में रिंकू की हत्या का रूपांतर करना चाहूंगा। रिंकू के फ्लैट की छत की ऊंचाई 10 फीट, वहां से फैन 1 फीट नीचे लटक रहा था। फैन से लेकर रिंकू के गले तक जो चुन्नी शेष थी उसकी लंबाई 1 फीट, रिंकू का कद 5 फीट 6 इंच, वही जो इस पुतले की है यार। जिस स्टूल पर वो खड़ी हुई थी उसकी ऊंचाई 2 फीट। प्रोसिक्यूटर साहिबा, क्यों ना आप आए और थोड़ी ये गणित करने में मेरी सहायता करें, मैं जरा कमजोर हूँ। बताइए ये पूरी गणित करके कि क्या नाप निकला? 10 में से 1 फुट माइनस 9 फीट और बाकी के आंकड़े मिलाकर 8.5 फुट। 8.5 फीट होने चाहिए, 9 फीट, लेकिन 8.5 फीट, 6 इंच कहाँ रह गए? पैरों की उंगलियों पे खड़ी हो गई हूँ। पैरों की उंगलियों पर खड़ी हो गई होगी, ऐसा करके तो 2-3 इंच। हाँ, सहमत हूँ मैं आपसे। बाकी के 3 इंचों का फासला कैसे तय किया रिंकू ने? जज साहब, मैं इंस्पेक्टर राठौड़ को बुलाना चाहता हूँ। स्टूल के सिवाय वहाँ पे और कोई फर्नीचर नहीं था, वैसे भी घर में फर्नीचर बहुत कम था। तो कैसे इंस्पेक्टर राठौड़, ये जो चेंज का फासला है ये कैसे तय हुआ? पता नहीं, क्या ये संभावना है कि किसी ने रिंकू को उठाया हो, सहायता की हो उसे वो फासला तय करने का? हो सकता है, पर वो बिरेन नहीं हो सकता। बिरेन नहीं हो सकता क्योंकि रिकॉर्ड्स के अनुसार जिस समय ये घटना घटी बिरेन वहां था ही नहीं, वो तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सोनाली के घर पे था। जी और सोनाली ने भी अपने बयान में यही कहा था, लेकिन तो फिर ऐसा कैसे हुआ? जब वो सोनाली के घर पे था तो वो रिंकू के घर पे नहीं था, तो रिंकू के घर पे कौन था जिसने रिंकू की सहायता की? उसकी हमें तहकीकात करनी होगी। कीजिए तहकीकात, करनी भी चाहिए योर ऑनर। जब तक पुलिस तहकीकात करती है इस विषय में, मैं अपने वकील बिरेन के लिए बेल की मांग करता हूँ। ठीक है, bail will be granted. मैडम, इतने जोखिम का काम है, बस इतना ही? तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है, और ये मत भूलो कि प्लान मेरा था। मैडम, कुछ और मिल जाता तो। बारात ने आया क्या मेरी? दफा हो जाए यहाँ से, दफा! निकल, दरवाजा बंद कर देना। Thank you.
रुक 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 कोई है बीरेन तू एडी जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बीरेन ऐसा क्या था उस फोन में जो तुम I'm sorry sir एक्चुअली वो मेरा सीक्रेट फोन था जिससे हमेशा मैं सोनाली के साथ छुप छुप के बातें किया करता था जिससे मुझे बेल मिली ईवा ने मुझे मिलने बुलाया था बीरेन मैं तुम्हें रिंकू से पहले जानती हूँ एटलीस्ट मुझसे तो सच कहो सच क्या है उस दिन हुआ क्या था जस्ट टेल मी बोल जस्ट से समथिंग सच जानना है तुम्हें सच जानना है मैं बताता हूँ सच क्या है सच ये है कि मैं नहीं मनोज रिंकू के पीछे पड़ा हुआ था मुझे छोड़ने के लिए और पूरी बात में न जाने कहां से मुझे विलन बनाया जा रहा है I just knew it. उस मनोज पर मुझे पहले से ही शक था अच्छा tell me something तुम्हारा वो दूसरा फोन that phone of yours जिसे तुम सोनाली को उसी फैक्ट में सुनो सबसे पहले उस फोन को उस फ्लैट में से निकालो अगर वो फोन पुलिस के हाथ लग गया ना तो तुम बहुत बुरी तरह फंस जाओगे ईवा की बात से मैं बहुत डर गया था सर मैं वहां सिर्फ फोन लेने गया था और कुछ नहीं साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज ईवा जी कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक और तो आप चिल्ला चिल्ला के पुलिस और मीडिया से कह रही हैं कि आपकी सहेली रिंकू की मृत्यु में बीरेन का हाथ है ये दोषी है दूसरी ओर आप सुझाव रख रही हैं बीरेन को बचाने का वास्तव में ऐसा कर रही हैं या फिर कुछ उलझा रही हैं आप ऐसा करके आप उसे बचाने की कोशिश करी क्या चल क्या रहा है बताइए ना ठीक से एक्चुअली सर ये सारा आइडिया मनोज का था आई नो ही डिड इट उसी ने रिंकू को मारा है और अब उस केडी पॉटर की वजह से खुला घूम रहा है डैम इट मनोज तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से रिंकू ने तुम्हें छोड़ दिया है एक रास्ता है परिवा मुझे उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए हाँ सर हाँ मैंने ही ये बात से कहा था बीरेन को फंसाने के लिए और सच कहूं तो मुझे इस बात का कोई रिग्रेट भी नहीं है क्योंकि इनडायरेक्टली मैं आप ही लोगों का तो काम आसान कर रहा था इसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए सर सर इस इंसान ने दो जिंदगियां बर्बाद कर दी रिंकू रिंकू ही मेरे लिए सब कुछ थी सर उस कमीने ने वो भी मुझसे छीन ली ठीक है लेकिन बीरेन की नफरत को आप हत्या का चोला मत पहनाइए सर आपको ये लग रहा है ना कि मैं खामखा इमोशनल हो रहा हूँ तो ठीक है पूछ लीजिए इस वॉचमैन से बाबुल जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है बीरेन का नंबर वन चमचा है ये पूछिए उससे कि उस दिन रिंकू का घर का दरवाजा खोलने के लिए 10 मिनट क्यों लग गए ताकि वो बीरेन के सारे सबूत मिटा सके सर लास्ट टाइम आप ही कह रहे थे ना कि वो 6 इंच का गैप वो सबूत मिसिंग है सर आई गारंटी यू कि वो सारे के सारे सबूत बीरेन के खिलाफ थे और वो सारे के सारे सबूत मिटाने के लिए उसने इतना वक्त लगाया सर ये आदमी कुछ भी बोले जा रहा है सर मैं तो वहां दरवाजा खोलने गया था कुंडी टाइट थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया इतनी टाइट थोड़ी हो सकती है कि पूरे 10 मिनट लग गए आप क्या कर रहे थे आप अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सबूत वबूत मिटा रहे थे सर ये तो आप कोमल मैडम से पूछिए इन्होंने ही मुझे रिंकू मैडम की अंगूठी चुराने के लिए कहा था चोरी करने गए थे आप कोमल मैडम के कहने पर क्या बताइए ना आगे बताइए कोमल मैडम की नज़र बहुत दिनों से रिंकू मैडम की डायमंड की रिंग में थी सर बहुत महंगी है वो उन्होंने कहा था कि कैसे भी करके ये अंगूठी चुरा के मैं उन्हें दूंगा तो वो मुझे तगड़ा पैसा देगी सर ये आदमी झूठ बोल रहा है मैंने नहीं कहा था उसे कोई रिंग चुराने के लिए मैं सहमत हूँ आपकी बात से आप लगती ही नहीं चोरनी जैसी और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं इंस्पेक्टर राठौड़ से कहूँ कि जाकर के आपके घर की तलाशी ले तो आपके घर में वो अंगूठी नहीं मिलेगी मैं निवेदन करता हूँ कि आप राठौड़ साहब को आदेश दे कि जाकर के इनके घर की छानबीन करें मैं सर वो एक्चुअली हाँ वो रिंग मुझे
बाबुल ने नहीं दी थी। जिस दिन सुबह रिंकू की मौत हुई उस दिन सुबह 8 बजे मैंने न्यूज़पेपर लेने के लिए जब घर का दरवाजा खोला तब मैंने वीरेन को फिर से घर से बाहर निकलते देखा। आपको हमेशा रिंकू का ही रिंग चाहिए था ना? 4.5 लाख का है, रख लो, लेकिन किसी से मत कहना कि मैं सुबह सुबह यहाँ पर आया था। नहीं। अरे रख लो, वरना पड़ोसी होने के नाते मैं आपके इतने राज जानता हूँ जो आपको इस सोसाइटी से निकलवाने के लिए काफी है। मैडम रख लो, अपना मुंह बंद रखना। योर ऑनर, ये आदमी अगले दिन सुबह लौट कर फिर वापस आया था रिंकू की मौत से पहले ताकि उसे जान से मार सके। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए गलत फहमी हो रही है आपको कुछ यहाँ, क्योंकि बीरेन वहाँ नहीं था, बीरेन था सोनाली के घर। तो अगर सोनाली के घर था बीरेन तो बीरेन वहाँ तो हो नहीं सकता। योर ऑनर, वो वहाँ था या नहीं ये बात तो सिर्फ सोनाली ही बता सकती है। बीरेन झूठ बोल रहा है, उस दिन ये मेरे घर आया ही नहीं था। नहीं, या तो आप अब झूठ बोल रही हैं या तब झूठ बोल रही थी जब पुलिस को कथन दिया था कि बीरेन आपके साथ है, आपने पुलिस स्टेटमेंट दिया था। मैंने बीरेन को बचाने के लिए कहा था क्योंकि मैं उसे प्यार करती थी। ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि सच बोल देना ही ठीक है, इसलिए मैं इस आदमी के गुनाहों पर पर्दा नहीं डालूंगी। And there it is, Mr. Pathak. आप ही की थ्योरी कि सुसाइड नहीं मर्डर है अब आप ही के क्लाइंट बीरेन पर फिट बैठती है। कोमल और सोनाली की गवाही बीरेन के केस की आखिरी की है। सर आप, मुझे तो लगा कोर्ट में जो भी कुछ हुआ उसके बाद आप भी मुझे दोषी मानने लगे और मेरा केस छोड़ दिया। वैसे भी सर सारे सबूत और गवाह तो मेरे खिलाफ ही जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम वहां नहीं गए थे। कोई बेवकूफ ही ऐसा करेगा, अगर तुम वहां गए होते तो वो आत्महत्या पत्र नहीं मिला होता है जिसके आधार पर यह आरोप तुम पर लगाया है, तुम उसे अपने साथ ले गए होते। रही बात रिंकू की हत्या की, मैं जानता हूँ कि तुम वहां नहीं थे लेकिन कोई और अवश्य था। लेकिन और कौन हो सकता है सर? वो तुम छोड़ दो, मुझ पर पता लगा लूंगा। से इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया। देखो बीरेन, आई अंडरस्टैंड कि ये समय तुम्हारे लिए कठिन है लेकिन खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आया था, सोचा लो। थैंक यू सर। वैसे मेरा तो खुद पे से भरोसा ही उठ गया पर लगता है आपने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी। आप सब मैं ये रख लेता हूँ, आप सेब ले जाइए, मैं सेब नहीं खाता, मुझे एलर्जी है। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि सेब से तुम्हें एलर्जी है। सब आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं रख देता हूँ, दे दीजिए सर। नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल, इन फैक्ट थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ अदालत में। हत्या का दिन कौन सा था? ट्यूसडे सर। ट्यूसडे, वो कहावत सुनी है तुमने अधीरा? An apple a day keeps the doctor away। नहीं कहावत, An apple a day solves the case। रिंकू और मैंने साथ में अपना मॉडलिंग करियर शुरू किया था। बीरेन और मैं एक ही उम्रान से लुधियाना। लुधियाना, राइट राइट राइट। और उसके बाद हमने सेम कॉलेज ज्वाइन किया था। एसवी कॉलेज लुधियाना। वहाँ हर रोज डे पे आप
गुलामों का गुलदस्ता भेजा करती थी वीरेन को, इनके साथ प्रॉम नाइट पे जाया करती थी। जी, उन दिनों मैं वीरेन से काफी अट्रैक्टेड थी, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं था। हुआ नहीं या वीरेन ने होने नहीं दिया, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपकी मित्रता का लाभ उठाकर आपकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, आपकी सहेली रिंकू, उसके साथ वीरेन ने रिश्ता आगे बढ़ाना शुरू किया और आप ईर्ष्या में आकर आपसे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस लॉयर खामखा हवा में तीर चला बिना किसी ठोस सबूत के। सस्टेन्ड। क्षमा चाहता हूँ, चलिए कुछ और ही पूछता हूँ। उस रात जब वीरेन और रिंकू के बीच में लड़ाई हुई, रात के 3 बजे के आसपास फोन आया था रिंकू का आपको? जी। वीरेन ने शादी करने से मना कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। फिर? मैंने उसे कहा कि अगले दिन सबसे पहले सुबह मैं उसके पास आऊंगी। हाँ। और अगले ही दिन 8 बजे या 8:15 के करीब मैंने कारिका और मनोज को कॉल किया था और हम तीनों रिंकू के घर पहुंचे, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत देर हो गई थी। देर कहाँ हो गई थी, आप तो समय पर पहुंची थी, समय से पहले पहुंची थी। मैं नहीं, मतलब जैसे ही रिंकू ने आपको फोन किया आप सीधा वहाँ गई थी ना रिंकू के घर? नहीं सर, मैं सुबह गई थी। नहीं नहीं नहीं, आपसे गलती हो रही है, याद करके देखिए आप करिए। आप सवेरे नहीं, रात को गई थी। एक ही बात को बार बार घुमा के पूछने से अलग अलग जवाब नहीं मिलेंगे। वो आपको बता चुकी है कि वो नहीं गई थी। गई थी ये योर ऑनर, गई थी, मैं साबित किए देता हूँ। आप बैठिए बैठिए, मेरा थोड़ा रिवाइंड करते हैं। उस रात को 3 बजे रिंकू और वीरेन के बीच में झगड़ा हुआ, करेक्ट? जी। तुरंत वीरेन के जाने के बाद कुछ समय बाद रिंकू ने आपको फोन किया, करेक्ट? जी। और जैसे ही फोन आया आप तुरंत अपने स्कूटर पे बैठ के रिंकू के घर की ओर निकली, करेक्ट? देखिए कुछ तो भूल रही हैं आप, क्योंकि जैसे ही आप स्कूटर से निकली रिंकू के घर की ओर, आपने ये पाया कि आपके स्कूटर में पेट्रोल नहीं है, तो आपने वहाँ अंधेरी लिंक रोड के क्या विश्वास पेट्रोल पंप है शायद। योर ऑनर, इन्होंने अपने डेबिट कार्ड से वहाँ पेमेंट की थी, ये रही उनके डेबिट कार्ड की रसीद। आपने अपने डेबिट कार्ड से भुगतान किया था वहाँ पेट्रोल का, याद आ रहा है आपको कुछ कुछ? जी, लेकिन मैं रिंकू के घर नहीं जा रही थी, मैं मनोज के घर जा रही थी और वो भी उसे आगाह करने। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मनोज ने हमको बताया कि आप सवेरे 7:30 बजे आप मनोज के घर पहुँची थी। क्योंकि मेरा स्कूटर बंद पड़ गया था रास्ते में। आप कहना क्या चाहते हैं? अब सावर टेस्ट इन योर माउथ, लीजिए चॉकलेट। आज मेरा व्रत है, आज मंगलवार है ना, हर मंगलवार को मेरा व्रत। देखिए भूल गया मैं कि आज मंगलवार है, मंगलवार को आप कुछ नहीं खाती, सिर्फ फल फ्रूट खाती हैं, विशेष रूप से सेब। एक्सक्यूज मी, मतलब मैं ये कह रहा था कि मंगलवार को आप नहीं खाती ना, कुछ व्रत होता है आपका, आप सिर्फ सेब खाती हैं। वैसे ही जैसे आपने हत्या के दिन भी सवेरे 5 बजे सेब खाया था वहाँ। योर ऑनर, ये रही सेब की कटी हुई परत जो हमें रिंकू जी के डस्टबिन से मिली। योर ऑनर, होता ये था कि 5 बजे से पहले रात ही मैं रिंकू अपना डस्टबिन घर से बाहर रख देती थी, तो जो कूड़ा साफ करने वाला होता था योर ऑनर, वो आकर के कूड़ा ले जाता था। किंतु हत्या की रात ऐसा नहीं, हत्या की रात डस्टबिन रिंकू के रसोई घर में ही था। किसी व्यक्ति विशेष ने वहां आकर सेब काटा, सेब खाया और ये परत वहीं डस्टबिन में छोड़ दी। कूड़ा साफ करने वाला उसे ले न जा सका। मैं आगे बताऊं कहानी? मैं ही क्यों, वो तो कोई भी और हो सकता ना। हाँ, कोई और भी हो सकता था, लेकिन था नहीं, आप ही थी। तभी तो मैंने अपनी सहायक दीरा को बारी बारी सबके यहाँ भेजा, फिर चतुराई से उसने सबसे सेब कटवाया, तो ये पाया योर ऑनर कि सब सेब सीधा सीधा काटते हैं, लेकिन ये सेब को ऐसे गोलाकार तरीके से एक ही झटके में पूरी परत निकालती है योर ऑनर, निकालती है। Thank you.
अब मेहनत का फल तो मीठा होता है, लेकिन ये फल आपके लिए थोड़ा कड़वा निकला। What nonsense is this? आप क्या बोले जा रहे हैं तब से? सिर्फ एक सेब के छिलने के तरीके से आप मुझे मैम। मिस्टर पाठक, कोमल और सोनाली के बयान, उनका क्या? अब उनका क्या है योर ऑनर, सब अपने अपने मतलब के लिए झूठ बोल रहे हैं। कोमल अपनी चोरी छिपाने के लिए और सोनाली जी अपने ठुकराए हुए प्यार का बदला लेंगे। अब योर ऑनर ये फिर से मुझसे पूछेंगी कि कैसे साबित हो जाता है कि हत्या के समय ये वहां थी और इनके उकसाने पर रिंकू जी वहां लटकी थी। आप हेलमेट पहनती हैं स्कूटर? हेलमेट पहनती है या नहीं? जी योर ऑनर, मैं यूं गया, क्यों आया? आपका हेलमेट है या नहीं? हाँ। अब आप सोच रही होंगी कि मैं हेलमेट इन्हें क्यों दिखा? वो चेंज का अंतर जो बात हुई थी कि कैसे चेंज का फासला रिंकू ने तय किया। अरे हाइट कम है। एक सेकंड, इसे यूज कर। ईवा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैर फिसल जाए और मैं सच में। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसकी फोरेंसिक जांच की जाए तो रिंकू जी के। मैंने मारा उसे। हाँ, मैं ही गई थी उस दिन रिंकू के घर। I killed her. Okay? ईवा, I'm so sorry यार, लेकिन तेरे को पता है अब सब कुछ ठीक हो गया। तुझे पता है बीरेन मान गया है और हम आज ही शादी कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है ना तुझे? ये देख उसका मैसेज, देखना। अभी वो सोनाली के घर गया है उससे सारे नाते तोड़ने के लिए। तो फिर से उसकी बातों में आ गए। इसी वजह से वो बार बार तुझे बेवकूफ बनाता रहता है और तू बन भी जाती है रिंकू। You're so innocent. तुझे पता है तेरी कोई वैल्यू नहीं है उसकी नजरों में। क्या बोल रही है तू? क्या मतलब है तेरा? तुझे ना once and for all उस बिरेन को सबक सिखाना चाहिए ताकि उसे भी तो पता चले ना कि तुझे खोना एग्जैक्टली कैसा होता है, तेरी वैल्यू समझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तू क्या बोल रही। एक लेटर लिख बिरेन के खिलाफ, अपनी चुन्नी ले, उस स्टूल पे खड़ी हो जा और पंखे से लटक के सुसाइड कर ले। तू पागल हो गई है क्या? इडियट, आई वाज जस्ट जोकिंग। असली में सुसाइड थोड़ी ना करना है, सिर्फ एक्टिंग करनी है, दैट्स ऑल। ताकि मैं उस बिरेन को कॉल करूं और वो बेचारा डर के भाग के तेरे पास आ जाए और उसके बाद हम दोनों मिलके उसकी क्लास ले। हीवा, तू ना क्या सही दिमाग है तेरा? सही है, आज तक जितना तंग किया ना उसने मुझे, आज एक ही बार में सारे बदले ले लूंगी मैं उससे। बिरेन, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मुझे नहीं पता, तुम जहाँ भी हो जल्द से जल्द घर पहुंचो। रिंकू का कॉल आया था, वो अपनी जान लेने वाली है। अरे हाइट कम है। एक सेकंड, इसे यूज कर। ईवा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैर फिसल जाए और मैं सच में। Silence in the court, please. चलती थी मैं उससे। भाई से नफरत करती हूँ मैं। इन दोनों के साथ यही होना था। एक की मौत और दूसरे पर इल्जाम। The defense, rest. ये अदालत
ईवा खत्री को रिंकू सोलंकी की हत्या के इल्जाम में दोषी पाते हुए गिरफ्तारी का हुक्म देती है। साथ ही साथ वॉचमैन बाबुल और मिस कोमल पर अदालत में झूठी बयान देने के इल्जाम के लिए पुलिस को तहकीकात का आदेश देती है। जहां तक बीरेन कुमार का सवाल है, तो अदालत इस मुकदमे में उन्हें निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. मिस्टर पाठक जी, एक सवाल अब भी बाकी। अब पूछिए। ये ईवा का हेलमेट आपको मिला कहां से? ईवा का हेलमेट? ये ईवा का हेलमेट नहीं है, लेकिन हूबहू वैसा ही है जैसा ईवा का हेलमेट था। मैं दुकान से खरीद कर लाया हूँ। देखिए ना, इतने खर्चे में एक वाले जरूर मिल गया। वो सुना होगा ना आपने, लोगों को टोपी पहना, वही। कमजोर लग रही हैं आप। लीजिए चॉकलेट खाइए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।